ओके सो हे गाइस बस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पिन जिसका मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह मिल जाएगा, तो आप लोग सिंपली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी गाइस अगर आप लोग भी इस तरीके की फोटो एडिट करते हो गाइस मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग करना मत बोलना, इंस्टाग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना। बाकी चले गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रिकॉर्ड के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइस, आप लोगों को इस फोटो को डाउनलोड करना है, ठीक है, कंपलसरी है भाई आपको इस फोटो को डाउनलोड करना है, ठीक है। क्यों डाउनलोड करना है वो मैं बताता हूँ। पहले डाउनलोड करने के बाद जो है पहले इसका बैकग्राउंड इरेज कर लेना आप लोग अच्छे तरीके से, ठीक है, इस टाइप से। फिर इरेज करने के बाद जो है आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे जाना है, यहाँ से आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन में, सिंपली इफेक्ट वाले ऑप्शन में जब आप जाओगे तब आपको यहाँ पे कलर्स में एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला नेगेटिव का, ठीक है, तो आपको सिंपली इसको ले लेना है। एंड इसको लेने के बाद जो है इस इफेक्ट को लेने के बाद जो है आपको सिंपली इसका जो ह्यू है आगे की तरफ प्लस कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको उसको डन कर देना है। एंड ऐसा ही मतलब पीएनजी बना के आपको जो सिंपली इसको सेव कर लेना है, ठीक है, इसको सेव कर लेना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी सेव करने के बाद जो है आपको क्या करना है, आपको यहाँ से बैक चलना है, ठीक है। जब आप बैक चलोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में ये बैकग्राउंड का लिंक मिलेगा, आपको सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। एंड डाउनलोड कर लेने के बाद आपको जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप लोगों को जो है अपना मॉडल ऐड करना है, जो आपका मॉडल होगा, ठीक है, आपको उसको ऐड करना है। एंड ऐड करने के बाद जो आपको सिंपली अपने मॉडल को कुछ इस टाइप से यहाँ पे इसको बैठा देना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद जब आप इसको यहाँ पे बैठा दोगे तब उसके बाद जो आपको यहाँ पे थोड़ी सी शेडो वगैरह क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आपको ऐड फोटो में जाना है। यहाँ से ऐड करना आपको ब्लैक कलर का पीएनजी, ठीक है, इसको ऐड कर देने के बाद जो आपको अपनी फोटो के ऊपर इसको पूरा ऐसे इस तरीके से फिक्स कर देना है। उसके बाद इरेजर टूल में जाकर इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है। ब्रश को लेने के बाद जो आपको अपने पैरों के नीचे जो आपको कुछ इस टाइप से शेडो बनानी है, ठीक है। मैं आपको अगर जिस तरीके से शेडो बनाना सिखा रहा हूँ, अगर आपको किसी और तरीके से आता है शेडो बनाना तो आप उस तरीके से बना सकते हो, ठीक है, तो आप लोग बना लेना। बाकी से मूव डाउन करके आपको उसकी ओपेसिटी यहाँ पे जो है कम कर लेनी है। एंड एकदम ऐसे शेडो जो एकदम अच्छे तरीके से क्रिएट करनी है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद जो है गाइस अभी आपने जो पीएनजी बनाया था गाइस ये वाला, आपको सिंपली इसको ऐड करना है। एंड ऐड करने के बाद जो आपको क्या करना है, आपको ऐड कर लोगे जब इसे, तब आप सभी को जो है इस पीएनजी को यहाँ पे लेके एंड आपको यहाँ पे मतलब कि ओपेसिटी कम करके चेक करना है कि आपके मॉडल के हैंड के पास जो है ये मतलब मॉडल जो लड़की है आप आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है, आपको ये चीज़ चेक करनी है। एंड जब आपको लगे हाँ यहाँ पे फिक्स है, तब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना ऐसे इरेजर टूल में एंड इसको यहाँ पे इन्वर्ट कर देना है आप सभी को, सॉरी इन्वर्ट नहीं करना, इरेजर लेना है इसका हार्डनेस फुल करके, एंड आपको जो कुछ स्टेप्स ऐसे इरेज करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से एकदम पूरा इरेज करना है। एंड इसको इरेज करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो ये जो साइड में जो लड़की है इसको आप मतलब कि इसको इरेज ना करो, मतलब कि एकदम ऐसा लगना नीचे कि आपने इसे इरेज करके यहाँ पे लगाया, तो इस तरीके से इरेज करना है। एंड उसके बाद जब इतना हो जाएगा तब इतना कर देने के बाद आपको सिंपली यहाँ से क्या करना है, तो इसको पहले मैं यहाँ से फटाफट इरेज करता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ आप सभी को। सो गाइस इतना हो जाने के बाद जो आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो मॉडल है मतलब कि जो आपके मॉडल से एकदम अटैच हुआ है कि नहीं, फिर उसके बाद आपको उसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है, इसको कर देना स्क्रीन। एंड इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी यहाँ पे हल्की सी कम कर लेनी है। एंड बाकी जो यहाँ पे स्पेस खाली दिख रहा है गाइस आपको उसके लिए करना, आपको सिंपली इरेजर टूल में जाना है एंड यहाँ पे ब्रश लेना है। ब्रश लेने के बाद आपको सिंपली वहाँ से जो है इस तरीके से फील कर देना है, ठीक है, मतलब कि जो मतलब पीएनजी हमने बनाया है इससे पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे अपने दो मॉडल का ऐड किया है, तो मतलब इससे जो है कुछ भी मतलब कितना कुछ शक नहीं होगा, तो आपको सिंपली इस तरीके से आपको मर्ज कर देना है। एंड इसके बाद आपको इतना कर देने के बाद जो है यहाँ पे आपको सिंपली इसको डन करना है, ठीक है। एंड इतना हो जाने के बाद आपको अभी इसमें पीएनजीज और ऐड करने पार्टिकल्स के, तो अभी इसको हम फिलहाल डन करते हैं। एंड उसके बाद चलेंगे यहाँ से ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से हम ऐड करेंगे दो तीन पार्टिकल के पीएनजी जो कि ये वाला है, तो इसको ऐड कर देने के बाद जो है आप सभी को क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे इसका पहले तो ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है, तो इसको ब्लेंडिंग मोड चेंज करके आपको यहाँ पहले स्क्रीन कर देना है। एंड उसके बाद आपको कुछ स्टेप से जो आपको अपने मॉडल के ऊपर कुछ स्टेप से लगा देना है, ठीक है, जो मतलब आपने पीएनजी लगाया है आपको उसको लगा देना है। एंड उसके बाद जो आपके फेस के ऊपर एरिया आ रहा होगा उसको सिंपली इरेज कर लेना है। एंड इसको आपको दो तीन बार डुप्लीकेट करके लगाना अपनी फोटो में, तो एक बार हम डुप्लीकेट करके नीचे की साइड में लगा लेते हैं एंड एक बार और डुप्लीकेट करके जो है हम इसके अपर साइड में लगा लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेते हैं। एंड इसको आप साइड में ले जाते हैं एंड यहाँ पर कुछ स्टेप से लगा देते हैं, ठीक है। तो बाकी का अभी जो यहाँ पे हमारा इतना पिक्सल का काम तो हो गया है, ठीक है, अब इसमें हमें कुछ और काम भी करना है, अभी एक दो पीएनजी और लगाने, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, हमने फोटो को डन कर दिया, आप चलते हैं ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से हम ऐड करेंगे विग्नेट का पीएनजी। विग्नेट का पीएनजी ऐड कर देने के बाद जो आपको उसके फुल स्क्रीन कर देना है, एंड फुल स्क्रीन कर देने के बाद जो आपको सिंपली इसको डन कर देना है।
उसके बाद जो आप सभी को यहाँ पे सिंपली अपनी फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना है, इसको लेके चलना लाइट रूम ऐप में, क्योंकि गाइस बिना रिटच के तो हमारी फोटो बिल्कुल अधूरी है। तो अब इसको हम लेके चलते हैं लाइट रूम ऐप में। लाइट रूम ऐप में हमने पहले से फोटो को ऐड कर रखा है, तो अब इसके लिए क्या करना है, आपको जाना है ऐसे लाइट वाले ऑप्शन में, आपको यहाँ पे इसका जो कॉन्ट्रास्ट है इसको हल्का सा ऐसे इंक्रीज़ कर देना है, एंड जो हाईलाइट्स हैं इनको यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है, जो शेडो है इसको यहाँ पे थोड़ा सा कम मतलब इंक्रीज़ कर देना शेडो को भी, एंड वाइट जो उसको भी यहाँ पे हल्का सा कम कर देना है, ब्लैक को माइनस थोड़ा सा, ठीक है। फिर कलर्स में जाकर आपको यहाँ पे जो वाइब्रेशन है आपको उसको बढ़ा देना है, जो टेम्परेचर इसको थोड़ा सा कम कर देना है, एंड उसके बाद कलर मिक्स में जाकर आपको ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका सेचुरेशन आपको माइनस करके ल्यूमिनस बढ़ा देना है। देन आप सभी को जाना है यहाँ से येलो कलर में, एंड इसका जो ह्यू सेचुरेशन है इसको हल्का सा यहाँ से माइनस की तरफ रखना है, एंड उसके बाद जो इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली इसको डन कर देना है, एंड इतना हो जाने के बाद आपको जाना नीचे लिटर में फोटो की जो क्लियरिटी है इसको इंक्रीज़ कर देना है, एंड फोटो में जो विग्नेट है वो डाल देना है अपने फोटो के अकॉर्डिंग। देन आपको थोड़ा सा ग्रे अमाउंट ऑफ इंक्रीज़ करना है, जाना नीचे वाले टूल में फोटो की शार्पनेस इंक्रीज़ कर देनी, फोटो में नोट रिडक्शन बढ़ा देना है, एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोट रिडक्शन आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी, तो गाइस आशा करता हूँ और आप सभी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।